आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केवल 2 से 3 इंग्रेडिएंट में बनने वाली बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम, जिसे आप जब चाहें तब झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर 1 कप दूध, ये नॉर्मल दूध है, उबाल कर लिया हुआ। अब इसको चॉकलेटी बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर हर्शीज का चॉकलेट सिरप। इन 2 इंग्रेडिएंट से ही ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाने वाली है, तो इसे बच्चे भी झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 आइसक्रीम मोल्ड के हिसाब से मेज़रमेंट लिया है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ें डबल कर दें। इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हमको। अगर आप इसमें और भी ज़्यादा चॉकलेटी कलर लाना चाहते हैं तो थोड़ा चॉकलेट सिरप और डाल दें। इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि चॉकलेट सिरप अपने आप में ही बहुत मीठा होता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पर हमने आइसक्रीम के 2 मोल्ड ले लिए हैं। आप किसी भी डिस्पोजेबल कप में या फिर किसी भी मोल्ड में बना सकते हैं। अब सिंपल सा इन डिस्पोजेबल कप में हमें इन्हें भर देना है और ओवरनाइट या फिर 5 से 6 घंटे के लिए आप इन्हें स्टोर कर दें और ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएंगी। तो बहुत ही कम सामान और बिल्कुल झटपट से इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर ये आइसक्रीम का मिक्सचर भी रेडी हो जाता है और बाकी का काम हमारा फ्रीजर करता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इस मोल्ड में इसको भर दिया है। इसी तरह से हम एक और भर देंगे। बहुत ओवरफ्लो ना भरें, ऊपर तक नहीं भरना, क्योंकि जब ये फ्रिज होएगा तो थोड़ा सा जगह बढ़ जाती है। जैसे हम पानी भरते हैं आइस क्यूब में तो बर्फ़ ज़्यादा सी बन जाती है, इसी तरह से आइसक्रीम को थोड़ा सा कम भरें, जिससे कि हम ये स्टिक लगाएं तो ये ओवरफ्लो ना हो जाए। तो ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी जगह हमने छोड़ दी है और स्टिक भी हमने लगा दी है। तो ये दोनों ही हमारी आइसक्रीम ओवरनाइट जम चुकी हैं। ओवरनाइट के लिए जमाने से बहुत ही आसानी से ये जम जाती हैं। अब इन्हें थोड़ा नॉर्मल होने दें या फिर पानी में डिप कर लें और ये अपने आप ही इजीली, ये देखिए, झटपट से हमारी आइसक्रीम निकल कर तैयार हो जाएगी। आप इसे चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप डालकर खाएं तो और भी ज़्यादा टेस्टी और चॉकलेटी लगती है। अब इस तरह से आइसक्रीम आप मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे इसे झटपट से बना लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी और टेस्टी हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है, वो भी केवल 2 इंग्रेडिएंट से। अगर आपके पास ये हर्शीज का चॉकलेट सिरप ना हो तो फिर आप यहाँ पर कोको पाउडर या और चीनी का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने ऊपर से यहाँ पर इसके ऊपर चॉकलेट सिरप लगा दिया था, जिससे ये और भी ज़्यादा देखने में भी टेम्पटिंग लगेगी और ये खाने में लाजवाब तो है ही। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बनाइए, बच्चों से बनवाइए, ये सभी को बहुत पसंद आने वाली है। इसी तरह से आसान और टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे सारी नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलती हूँ एक और टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।